अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज अमान में रखे जी, आमीन। और ये जो व्लॉग है ना, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इस वक्त बज रहे थे दोपहर के 12, लेकिन मेरी अब गुड मॉर्निंग क्योंकि मैं अभी उठी थी और इस वक्त मैं पी रही थी निहार मूना। मैं कोशिश होती है कि मैं रोज़ ना गर्म पानी में लीमू निचोड़ के पीऊँ, लेकिन मैं रोज़ तो नहीं पी पाती, लेकिन वीक में 3 से 4 दफ़ा तो पी लेती हूँ। ये बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मैं बना रही थी आज बादामी कोरमा, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का, तो आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। इसके लिए मैंने लिए थे 12 बादाम, 1 2 टेबल स्पून लिया मैंने पिसा हुआ खोपरा डेसिकेटेड कोकोनट, और 1 टेबल स्पून लिया मैंने खशखश, खशकाश, पोपी सीड, जो भी आप कहते हैं बस समझ लें। इन तीनों चीज़ों का ना मैं पेस्ट बनाऊंगी पानी में डाल के। और ये मैंने ली थी ब्राउन प्याज, ये 1/2 कप होगी ब्राउन प्याज, और मैंने 3 पाव चिकन लिए, इसे मैंने अभी फ्रीज़र से निकाला ताकि डिफ्रोस्ट हो जाए, और ये दही मैंने अभी मंगवा कर रखी है। सबसे पहले ना मैं इन तीनों चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी, आलमंड्स, डेसिकेटेड कोकोनट, पोपी सीड्स। और अगर आपके पास पोपी सीड्स नहीं है ना, तो आप बादाम जो है वो फिर 16-17 ले लीजिएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब दूसरी साइड पर मैंने लिया है 1/2 कप घी, क्योंकि कोरमा जो होता है वो घी में ही अच्छा बनता है। इसमें मैं डालूंगी साबुत गरम मसाले, इसमें 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 5-6 लौंग, 6-7 काली मिर्च, ये मेरे पास निन्नू मिन्नू सा दालचीनी का टुकड़ा था, मैंने बस वही डाल दिया क्योंकि दालचीनी ना ख़त्म हो गई है। ऐसे साबुत गर्म मसाले में से खुशबू आएगी ना, मैं इसमें 2 चाय के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाएगा ना, इसमें मैं 3 पाव जो मेरे पास चिकन है ना वो ऐड करूंगी। मैंने ना जल्दी जल्दी में कोरमा बनाना था, इसलिए मैंने डीप फ्रोस्टी चिकन ऐड कर दिया है। खैर ये इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसे हीट लगेगी ना तो फिर ये हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है, क्योंकि मैंने शाम को 4 बजे जाने क्लास लेने और फिर मैं आऊँगी 7:30 या 8 बजे बज जाएंगे, तो उसके बाद तो खाना बनेगा नहीं। इसे मैंने कहा मैं पहले खाना बना लूँ तो खाना बना कर ही जाऊँगी, लेकिन आप लोगों ने मेरे वाला काम नहीं करना है, आपने हमेशा चिकन को ना डीप फ्रोस्ट करके ही डालना, क्योंकि ना इससे बोटी के टूटने का ना खतरा होता है। वाली कहावत आपने सुनी है ना कि गंदी सोच और पाँव की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि अगर इंसान के ख्याल अच्छे ना और पाँव में मोच आ जाए तो इंसान तो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। इसी तरह अगर आपके दही में लम्स होंगे ना, तो आपकी कोई भी सालन की ग्रेवी जो है ना वो अच्छी नहीं बनेगी, उसमें फुटकरी बन जाएगी। वह क्या कहावत मैंने मैच किया दही के साथ कहने का मकसद क्या है कि दही को ना हमेशा अच्छे से विक्स की मदद से मिक्स करके फिर डाला करें, ताकि जो ग्रेवी है ना वो स्मूथ सी बने। तो यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया था, उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसाले में मैंने इसमें 1/4 चाय का चम्मच हल्दी, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 2.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूंगी ताकि जो मसाला है ना वो जले ना, और इसे डाल के ना आप 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि चिकन में जो मसाला है ना वो रच बस जाए। और ये जो मैंने बादाम, पॉपी सीड्स और डेसिकेटेड कोकोनट को पीस के रखा था, वो वाला मसाला आपने सेट में डालना है, और इसे भी डाल के ना आप 2 से 3 मिनट ना अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद जो है मैं इसमें 1 कप दही भर के ना आपने ऐड करनी है, दही डाल के आपने मिक्स करना है इतना कि जो है ना इसमें बॉईल आने लग जाए, और कंटिन्यू आपने मिक्स करना है दही जब आप डाल देना, ताकि आपकी जो ग्रेवी है ना वो कर्डल ना हो, और बस इसे आपने कवर कर देना है। और यहाँ पे जी मैंने कोरमा पकने के लिए रख दिया है, और किचन जो है वो मैंने सारा साफ़ कर दिया, मैं साथ साथ जो है वो समेटती रही थी। अब जो है मैं खा लेती हूँ केले बनाना, क्योंकि मैंने बस सुबह जो पानी पिया था ना नींबू डाल के, बस वही पिया, नाश्ता तो मैंने किया नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो बस अब ये केले ही खा लूँगी। और कोई मुझसे कह रहा था कि आप भी जो आप दिन में खाती है ना वो बता दिया करें, मैं बहुत बेतुका खाती हूँ, मेरा कोई पैटर्न नहीं है खाने का, बस जब भूख लगती है तो खा लेती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से ना शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही फजूल तरीके से खाती हूँ, क्योंकि अगर मुझे भूख लगती है ना तब मैं सुबह परोठे परोठे जो होते हैं ना वो खा लेती हूँ, वरना मैं अदरवाइज फ्रूट ही खा लेती हूँ। दोपहर को भी मैं नहीं खाती ना, बहुत कम होता है मैं दोपहर को खा लूँ, हाँ अगर राइस है फिर खा लूँगी, वरना रोटी नहीं खाती, रोटी बस मैं रात को ही खाती हूँ। अगर मुझे बहुत पसंद का मेरी मनपसंद सालन है तो फिर सवा रोटी खा लेती हूँ, वरना 1 पौनी रोटी इसी तरीके से। इसलिए मैं अपना डाइट पैटर्न शेयर नहीं करती आप लोगों से, क्योंकि मैं बहुत बेतुका खाती हूँ, मेरा कोई डाइट नहीं है, मेरी वाली डाइट आपने करने लगे ना तो बस हो गया आपका काम। मेरे ना मूड पे है, कभी एक बार ऐसा होता है कि मुझे
अन्नी वह भूख लग रही होती है, इतनी भूख लगती है कि आप सोच नहीं सकते। मैं सारा दिन चरती रहती हूँ और हर वक्त ढूंढती हूँ ना, और कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती, तो इसलिए मैं अपना लाइफस्टाइल शेयर नहीं करती क्योंकि मैं बहुत ही बेतुका खाती हूँ। और यहाँ पे जैसी चिकन टेंडर हो गई ना, मैंने इसमें जो हाफ कप ब्राउन प्याज थी ना उसे मैंने चॉपराइज करके ऐड की है। साथ में आपने जितनी ग्रेवी रखनी उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लीजिएगा। मैंने इसमें फिर हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड किया, इलायची को कूट के हाफ टी स्पून जायफल जावित्री पाउडर ऐड करूंगी और बस इसे मैं कवर करके ना रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए, और ये जो कोरमा है ना वो रेडी है। जो है वो मैंने दम पर रख दिया था, तो 5 से 10 मिनट में ना वो तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे जो है मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी जो मैंने पहन कर जाने हैं ना शाम को, और ये देखिए जी कोरमा जो है ना वो रेडी हो गई है और ये बहुत मज़े का बना था। आप लोग इसे ट्राई करिएगा, फिर मेरे साथ फीडबैक शेयर करिएगा। अच्छा कोरमा ना थोड़ा थिक होता है, मैं ना ज़्यादा थिक नहीं रखती कोरमा, क्योंकि मेरे घर में ना बहुत थिक कोरमा ना पसंद नहीं किया जाता, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ना इसकी मॉडरेट जो होती है ना, ना ज़्यादा थिक होता है ना ज़्यादा पतला होता है, उस टाइप की ग्रेवी रखती हूँ। क्योंकि अभी ये ठंडा होगा ना तो ये और थिक हो जाएगा। मेरे अम्मी अब्बू को ना बहुत थिक थिक सा ना पसंद नहीं है, तो आपको ज़्यादा पसंद हो थिक तो आप लोग ज़्यादा कर लीजिएगा, वो आपकी अपनी मर्जी है, जिस हिसाब से भी आप करना चाहें। मैंने इसमें आज प्याज जो है वो ऐसे ऐड की थी कि मैंने चॉपर में प्याज डाली थी और साथ में मैंने 2 टेबलस्पून ना वाटर ऐड किया था और फिर उसे चॉपराइज कर लिया था, तो उससे भी ना बहुत अच्छा दाना बना है कोरमे का। वरना आप हवन दस्ते में कूट ले, क्योंकि अगर आप पेस्ट बना देते हैं ना फिर जो कोरमे का दाना है ना वो नहीं बनता। ये जी हांडी मैंने बना लिया, बस अब मैं लेकर आती हूँ शावर, और शावर मैंने ले लिया है और ये वाला ड्रेस जो है वो मैंने प्रेस किया, इसकी मैं आपको डिटेल्स दिखा देती हूँ। अच्छा ये ना मैंने नहीं सिलवाया था, ये मैंने स्टिच लिया था, से 2 पीस ड्रेस था, इसका गला इस बॉक्स टाइप इसका गला है और बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग की हुई है शर्ट की, स्ट्रेट कट और बैक और फ्रंट पे ना लेस लगा रखी है नीचे बॉर्डर्स पे, और इसका जो बाजू का कट है ना वो ना बॉक्स टाइप बाजू नहीं होते, इस तरह का कट है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखें ऊपर से लेकर नीचे तक ना, शोल्डर से लेकर नीचे हाथ तक एक ही कटिंग है, बॉक्स टाइप बाजू कहते हैं, और ये पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ी एलिगेंट सी लुक आती है। आप भी ना अपने एक सूट का बाजू ना बॉक्स टाइप बनवा कर देखेगा, यानी एक जैसा कट। हम तो जो बनवाते हैं वो शोल्डर वाली साइड से थोड़े बड़े होते हैं फिर नीचे से हम छोटे कर लेते हैं ना, लेकिन ये एक जैसा कट है। और ये इसका दुपट्टा था, ये 2 पीस सूट, ये 2900 का मैंने लिया, जेलबरी से लिया था, और इसका ना लॉन मटेरियल है और ये इतना सॉफ्ट और इतना कंफर्टेबल है कि आप घर में भी इजीली वेयर कर सकते हैं, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। ये वाला सूट इनका अभी भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप वहां से ऑर्डर कर लीजिएगा। और ये जो ट्राउज़र था ये भी मैंने जेलबरी से लिया था, ये 1400 का या 1450 इसी तरह का था, क्योंकि ब्लैक ट्राउज़र में ना जितने भी हो कम होते हैं, क्योंकि ये ब्लैक और वाइट ऐसे ट्राउज़र है जो हर किसी के साथ चलते हैं, उसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा था इसलिए फिर मैंने ले लिया। ये ना इस तरह का डिज़ाइन है जो पीछे से है थोड़ा बड़ा है कपड़ा, और आगे से फ्रंट से ना इन्होंने छोटा कर रखा है, 3 प्लेटें दे रखी हैं, पहले 4 प्लेट्स हैं फिर ब्लॉक में कर रखा है इन्होंने, फिर नीचे 3 प्लेट्स हैं और फिर कटवर्क दिया हुआ, यानी आगे से आपने छोटा रखना है थोड़ा और जो पीछे वाली साइड है ना उससे आपने बड़ा रखना है, इस तरह का कट है ये। बाकी समझ तो गए होंगे आप लोग, इजीली ज़रूरी नहीं है कि आप रेडीमेड लें, ये तो आप वैसे भी घर में बना सकते हैं। और जेलबरी में मेरा साइज जो था वो स्मॉल था और ट्राउज़र मैंने मीडियम लिया था। ऐसे तो मैं हर ब्रांड का ना मीडियम साइज़ लेती हूँ, लेकिन जेलबरी वालों का ना मीडियम साइज़ मुझे बहुत खुला था, इसे फिर मैंने स्मॉल लिया। और ये देखिए मैंने सूट वेयर कर लिया, कितना एलिगेंट सा प्यारा सा लग रहा है, और ये इसके बाजू जो है वो सबसे ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और साथ में मैंने वॉच पहनी है, रिंग तो मैंने वैसे ही पहन रखी होती है। और ये जो हैंड बैग है ना ये मैंने पिछले साल लाइमलाइट से लिया था, 2800 का था ये, और इस पर किसी ने ब्लू मार्क्स मार दिए, पता नहीं किसने मारे हैं, अगर आपको कोई टोटका पड़ा है तो पता है तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं इसे रिमूव कर लूँ। इतना यूज़ भी नहीं करती, ऐसे ही पड़ा रहता, पता नहीं कैसे इस पर मार्क्स आ गए। और ये देखिए ये है इसका ट्राउज़र का कट, आगे से आपने थोड़ा छोटा रखना है और पीछे से ना ये बड़ा रखना है आपने, और ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। ये देखें अगर मैं आपको सही से दिखा सकूँ, ये देखें
समझ तो गए होंगे आप, मुझे पता आप सब बहुत समझदार हैं, आपको समझ आ गया होगा। तो बस चलिए जी, अब जो है वो निकलते, टाइम हो रहा था इस वक्त 4:30 बजे का और की लास्ट थी मेरी 5 से 7, तो बस 4:30 बजे मैं अपने घर से निकल गई थी और बस अब वहाँ पर जाएंगे तो फिर जाकर मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ, आप लोग भी इंजॉय कर सके। फर्स्ट टाइम ना किसी प्रोफेशनल किचन में ना मैंने वर्क किया था और बड़ा मज़ा आ रहा था काम करने का, क्योंकि एसी जो चल रहे थे, वरना घर में तो इतनी गर्मी होती है ना किचन में कि बेकिंग की चीज़ें करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। और जब आप किसी शेफ़ से कोई चीज़ सीख रहे होते हैं ना, उनकी टिप एंड ट्रिक सीखते हैं, तो एक एक्साइटमेंट ही अलग होती है। जिन्हें कुकिंग सीखने का शौक होता है ना, उन्हें बहुत खुशी होती है इस तरह की चीज़ों से। और किचन तो बहुत खूबसूरत है, मैंने कुछ पिक्चर्स ली थी, मैंने अटैच किए, आप लोग भी ताकि देख लें। यहाँ पर ना अभी हमने 3 तरह के कपकेक बेक किए, एक वनीला, एक चॉकलेट और एक रेड वेलवेट कपकेक। ना अच्छा, इनके जो लाइनर्स थे ना वो बड़े क्यूट से थे। ये वाला लाइनर ना मुझे सबसे क्यूट लगा, क्योंकि ना इन्हें किसी कपकेक के ट्रे में रखने की ज़रूरत नहीं थी। अमूमन हम जो लाइनर्स यूज़ करते हैं उन्हें हमें कपकेक के ट्रे में रखना पड़ता है, लेकिन ये वैसे ही देखे रखे हुए, बड़े क्यूट से लाइनर्स थे। तो मैंने भी सोचा मैं भी ज़रा ना स्क्वायर वाले और इस तरह के लाइनर्स लूँगी, ये बड़े अच्छे और क्यूट से लग रहे थे। अच्छा ये मैं बताती हूँ ये क्या कर रहे हैं, कि इन्होंने जो भी आपने चीज़ फिल्ड करनी है ना कपकेक में, जैसे जैम फिल करना है, तो स्ट्रॉबेरी जैम था तो इन्होंने उसकी प्यूरी भी ऐड की थी एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, यानी स्ट्रॉबेरी प्यूरी और स्ट्रॉबेरी जैम दोनों को मिक्स करके। अगर आपने मैंगो की फिलिंग करनी है तो फिर आपको मैंगो प्यूरी और मैंगो जैम दोनों को मिक्स करके डाल दें, इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अमूमन मैं भी जब जैम फिल्ड कपकेक्स बनाती थी ना, मैं अमूमन सिर्फ जैम को ही फिल्ड करती थी, थोड़ा सा ना उसे लिक्विड करके, लेकिन प्यूरी डालने से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता उस फ्रूट की। यहाँ पे जी हाँ, आइसिंग का सेशन हो रहा था। 3 तरह की आइसिंग बनाई थी, एक तो अमेरिकन बटर क्रीम आइसिंग थी जो सबको आती है, वो बटर और आइसिंग शुगर वाली, एक सेकंड जो थी स्विस आइसिंग थी, और थर्ड जो ये इस वक्त बन रही है ये थी इटालियन आइसिंग। ना ये टोटली डिफरेंट थी, मैंने इससे पहले ना कभी घर में इटालियन आइसिंग नहीं बनाई और ये बहुत टेस्टी आइसिंग थी। ये बनती है एग वाइट्स, बटर और शुगर से। मैं ज़रूर आपको ना ये वाली आइसिंग सिखाऊंगी, बहुत टेस्टी थी। अमूमन जो हम हाई फाई बेकरी के कपकेक्स खाते हैं ना, उसमें यही आइसिंग यूज़ हुई हुई होती है, वो ना क्रीम आइसिंग नहीं यूज़ करते, क्योंकि क्रीम आइसिंग के अगर आप कपकेक बनाए ना तो उसे आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। ये वाली आइसिंग को आप बाहर रख सकते हैं कपकेक्स को ना, इसलिए कपकेक में क्रीम आइसिंग यूज़ नहीं होती, या तो बटर क्रीम आइसिंग यूज़ होती है या फिर इटालियन और स्विस आइसिंग। और जो प्रोफेशनल लेवल पर ना 2 तरह के बटर यूज़ होते हैं, एक ये वाला बटर यूज़ करते हैं, तो वैसे मैं भी अपने घर में यूज़ करती हूँ जो लोकल बटर होता है, और एक ये यूज़ करते हैं नेस्ले का मिल्क पैक बटर, क्योंकि ये इसमें 82% फैट है और ये बेकिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो प्रोफेशनल लेवल पर बेकरी में ना यही 2 बटर ज़्यादा यूज़ हो रहे हो, और एडम का भी यूज़ होता है, लेकिन नेस्ले वाला जो है वो एडम से ज़्यादा इकोनॉमिकल है। यहाँ पर जो है ना वो इटालियन आइसिंग ही बन रही है, शुगर और एग वाइट को तो डाल के हमने बीट होने के लिए रख दिया। यहाँ पे उसी का दूसरा स्टेप हो रहा है कि कास्टर्ड शुगर और थोड़ा सा पानी लिया है, उसको ना हम इतना मेल्ट करेंगे, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेल्ट करना है, इतना कि अगर आप पानी में डालें ना उसका ड्रॉप, तो वो ना एक तरह का मेल्ट ना हो पानी में, यानी उसका ना वो बन जाए, बॉल्स ही बन जाए। ये देखिए ये चेक कर रहे हैं, ये हम उसी आइसिंग में ऐड करेंगे। और ये देखिए रेड वेलवेट कपकेक्स जो है वो रेडी है, लाइनर्स पे तो मेरा दिल आ गया था, बड़े क्यूट से थे। और ये इन्होंने रेसिपीज भी हमें साथ साथ दी थी, ये रेसिपीज ना मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी, जब बनाऊंगी ना तो ज़रूर शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ ये प्रोफेशनल रेसिपी। काफ़ी सारी
टिप एंड ट्रिक सीखी थी हमने इनकी ना कपकेक्स में, केक सेशन था और कपकेक दोनों सेशन था। मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकी क्योंकि सीखने पे फोकस था, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें ना रिकॉर्ड की हैं। और ये वही इटालियन आइसिंग थी, उसके अंदर इन्होंने जिस भी कलर की आइसिंग बना रहे हैं ना, ये पिंक बनाएंगे या येलो बनाएंगे, तो उसी कलर का इन्होंने जैम भी ऐड किया। हम पिंक बना रहे थे तो इन्होंने स्ट्रॉबेरी जैम ऐड किया ताकि फ्लेवर अच्छा है। ये इनकी टिप थी बनाने की। तो बस ये जो था ये सारा डेकोरेशन सेशन था, ये तो आप सबको आता है इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ये ना एक एक दो दो बनाते थे, फिर इन्होंने हमें कहा था कि आप लोग खुद से बनाओ ताकि आप लोगों की ना प्रैक्टिस हो। अपने पाइपिंग बैग को किस एंगल से पकड़ना है, किस डायरेक्शन में पकड़ना है, कितनी फोर्स देनी है, तो ये सारा कुछ इन्होंने ना इस तरीके से सिखाया था। और ये रेड वेलवेट कपकेक्स बना रहे थे, ये वही इटालियन आइसिंग थी, उसमें हमने क्रीम चीज़ जो है वो मिक्स कर दी थी। और ये प्लेन नोजल्स है इसकी ना, इस पर कोई इन्होंने स्टार वाली नोजल्स नहीं लगाई। मुझे पिछला पॉइंट था वो ये कह रहे थे कि जब हम क्रीम आइसिंग बनाते हैं ना और उसमें जब हम स्प्रिंकल्स डालते हैं तो वो ना थोड़ा कलर उसका अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो इटालियन आइसिंग है, स्विस आइसिंग है, बटर क्रीम आइसिंग है ना, इस पर आप स्प्रिंकल डाल दें तो इसका कलर नहीं लेते, वैसी की वैसी वाइट आइसिंग ही रहती है, स्प्रिंकल्स का कलर ना उस पर नहीं आता। और ये इटालियन आइसिंग में ना इन्होंने मेल्टेड चॉकलेट जो है वो ऐड कर दी थी। आप समझ रहे होंगे कि ये गनाश है चॉकलेट और क्रीम का, नहीं ये गनाश नहीं है, ये ना इन्होंने पूरे कपकेक जो थे वो स्विस और इटालियन आइसिंग से बनाए थे, एग वाइट वाली आइसिंग से ना। और पता भी नहीं लग रहा था खाने में कि ये ना एग वाइट इसमें रॉ है, इतनी कोई टेस्टी आइसिंग थी ना, ये बहुत मज़ेदार। टोटल 100 कप केक्स बनाए थे, 100 कप केक्स की डिफरेंट आइसिंग, डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट डेकोरेशन सीखी मैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना आपके साथ हर रेसिपी शेयर करूँगी, ताकि कोई बिजनेस करना चाहे तो उसके पास ये प्रोफेशनल रेसिपी हो। और ये देखिए कितने क्यूट से लग रहे हैं ना। 3 घंटे का क्लास सेशन था और मेरे पाँव का जनाजा निकल गया था, इसलिए कल व्लॉग नहीं आ सका, वरना क्लास तो ट्यूजडे को हुई थी लेकिन बहुत थक गई थी इसलिए मैंने ना एडिट नहीं किया व्लॉग। और ये कपकेक की डेकोरेशन मैंने खुद की थी, तो जो डेकोरेशन हमने की थी ना, तो उन्होंने कहा था यहाँ पे टेस्ट कर ले या घर ले जाए, तो मैं घर ले आई थी। मैंने कहा मैं अपने पेरेंट्स को टेस्ट करवाऊंगी, क्योंकि ये आइसिंग मैंने फर्स्ट टाइम सीखी है, अब इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगी। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखा, इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैं कर नहीं सकी क्योंकि मैं चीज़ें साथ साथ सीख रही थी, इतना पॉसिबल नहीं हो सका। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।